हेलो एवरीवन, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस सत्र में लेकर आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यदि आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही राज्य के माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा 2024 या सहायक अध्यापक अल्टी लेक्चरर इसके अतिरिक्त शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके काम का है। इसलिए आप सत्र को धैर्य और लगन के साथ अंत तक जानने समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए सत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकेडमिक यानी शैक्षणिक से जुड़े हुए ये क्वेश्चन हैं और यह केंद्रीय विद्यालय प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र है जिसकी परीक्षा 2017 में हुई थी। यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन हल करेंगे। तो कुछ निर्देश हैं, सही या सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए, विकल्पों को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर पूछा गया था, एक माध्यमिक विद्यालय में एक परामर्शदाता का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से कौन सा है। माध्यमिक विद्यालय में परामर्शदाता का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसलर इन ए सेकेंडरी स्कूल इज टू। आप चारों विकल्पों को पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके उसके बाद जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर को बताता हूँ ताकि वीडियो का जो साइज है वो कम हो और आपका टाइम भी इसमें बचेगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याओं को हल करना, अर्थात सॉल्व द स्टूडेंट्स मैनी प्रॉब्लम्स। तो किसी माध्यमिक विद्यालय में एक परामर्शदाता का मुख्य उत्तरदायित्व है विद्यार्थियों की अनेक समस्याओं को हल करना होता है। ऑप्शन नंबर एक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जानेंगे हम क्वेश्चन नंबर दो पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पूछा गया है किसी अध्येता की एक समस्या है जिसके विषय में वह अध्यापक से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो अध्यापक को चाहिए कि वह अध्येता यानी लर्नर, यदि आपको कोई शब्द हिंदी में कठिन लगता है तो आप उसे इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में टफ लगता है तो आप उसे हिंदी में देख लीजिए ताकि आप प्रश्न के पैटर्न को समझने में सक्षम हो पाएंगे। पूछा गया है द लर्नर हैज ए प्रॉब्लम, सी या ही आस्क्ड द टीचर व्हाट शैल आई डू द टीचर शुड। किसी अध्येता की एक समस्या है जिसके विषय में वह अध्यापक से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो अध्यापक को चाहिए कि वह, वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीन, अध्येता से ऐसे प्रश्न पूछे जिनके फलस्वरूप अध्येता में एक समझदारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो सके। अर्थात आस्क द लर्नर क्वेश्चंस व्हिच विल डेवलप द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एन इंटेलिजेंट डिसीजन। तो टीचर क्या करेगा, उस लर्नर से कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिनके द्वारा अध्येता में एक समझदारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो सके और वो उसका जो डाउट है उससे वह क्लियर करने में सक्षम हो सके। ऑप्शन होगा तीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापन विधि एक माध्यमिक विद्यालय के लिए कम से कम स्वीकार्य अर्थात उपयुक्त हो सकती है। अध्यापन विधि अर्थात टीचिंग प्रोसीजर या टीचिंग मेथड। तो इनमें से कौन सी टीचिंग मेथड एक माध्यमिक विद्यालय के लिए कम से कम उपयुक्त हो सकती है या स्वीकार्य हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसीजर्स वुड टेंड टू बी लीस्ट एक्सेप्टेबल इन ए सेकेंडरी स्कूल। ध्यान से देख लीजिए, विशेषज्ञ दल द्वारा चर्चा ये तो की जा सकती है। माध्यमिक विद्यालय में कोई विशेषज्ञ दल होता है, बच्चे बड़े होते हैं तो उनसे चर्चा की जा सकती है। विद्यार्थियों की रिपोर्ट भी कराई जा सकती है, रिपोर्टिंग उनसे हो सकती है। पर्यवेक्षित अध्ययन अर्थात सुपरवाइज उन्हें किया जा सकता है जैसे पैनल आदि के माध्यम से।
चौथा है व्यक्तिगत रूप से सस्वर वाचन, ये नहीं हो सकता। तो इसका यही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, व्यक्तिगत रूप से सस्वर वाचन। ये छोटे बच्चों में किया जाता है, जैसे कि छोटे बच्चे जिन्हें बोलना नहीं आता, यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका बच्चा या कोई शब्द है उसका उच्चारण नहीं कर पा रहा, तो टीचर व्यक्तिगत रूप से सस्वर वाचन करता है और बच्चों से उसे दोहराने की बात करता है। तो ये माध्यमिक विद्यालय के लिए नहीं है बल्कि प्राइमरी या छोटी कक्षाओं के लिए है। ऑप्शन नंबर चार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न की भाषा को समझना भी काफ़ी जरूरी होता है, इससे आप आसानी से क्वेश्चन को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर चार यहाँ पर पूछा गया था, दैनिक पाठ योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेली लेसन प्लान इज द, जो हम दैनिक पाठ योजना बनाते हैं अर्थात डेली लेसन प्लान बनाते हैं, उसका सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? विषय वस्तु, प्रदत्त कार्य, मूल्यांकन के चरण या उद्देश्य अर्थात सब्जेक्ट मैटर कंटेंट, असाइनमेंट्स, स्टेप ऑफ इवेल्युएशन या ऑब्जेक्टिव्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, उद्देश्य। किसी भी लेसन प्लान का एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, जिन्हें हम हासिल करने के लिए लेसन प्लान बनाते हैं और उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए टीचिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर चार होगा ऑब्जेक्टिव्स, या कहें उद्देश्य, या कहें लक्ष्य, या कहें मकसद, भी आप से समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच, यहाँ पर पूछा गया है कक्षा अनुशासन का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से किस चीज़ को बढ़ावा देता है? ए मेजर गोल इन द क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी टू प्रमोट, कक्षा अनुशासन का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से किस चीज़ को बढ़ावा देना है? तो कक्षा अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, किसे बढ़ावा देना होता है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक है, विद्यार्थियों के स्तर पर आत्मनिर्देशन, तो सेल्फ डायरेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट। कक्षा अनुशासन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो है विद्यार्थियों के स्तर पर आत्मनिर्देशन करना होता है, तो सेल्फ डायरेक्शन दे सकते हैं बच्चे आप अपने आप को ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छः, यहाँ पर पूछा गया था कक्षा में होने वाले दुराचार से निपटने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? मिसकंडक्ट इन द क्लासरूम इज बेस्ट हैंडल्ड बाय, कक्षा में होने वाले दुराचार से निपटने का सर्वोत्तम तरीका, मिसकंडक्ट इन द क्लासरूम इज बेस्ट हैंडल्ड बाय, कैसे आप उसे हैंडल कर सकते हैं? ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब देने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, अर्थात दुराचार के कारण का पता लगाना और उन्हें दूर करने के उपयुक्त उपाय करना, डिटरमाइनिंग द कॉजेस एंड प्रोवाइडिंग करेक्टिव मेजर्स। सबसे पहले हम पता करेंगे कि मिसकंडक्ट अर्थात दुराचार के क्या कारण हैं उनका पता लगाएंगे और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय खोजेंगे या सुझाएंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर चार प्रश्न का सही उत्तर होगा। वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा है तो हमें अधिकांश प्रश्न के उत्तर को चाइल्ड फेवर में ले जाना है, बच्चों के हित में ले जाना है, वही अक्सर उसके उत्तर होते हैं, क्योंकि अब शिक्षा ना तो शिक्षक केंद्रित है ना पाठ्यक्रम केंद्रित है, बल्कि मैक्सिमम जो केंद्र है, मैक्सिमम जो फोकस्ड है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर है, आफ्टर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया उसके बाद। वर्तमान में आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था व्यवहार से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग बिहेवियर इज नॉट ट्रू, व्यवहार से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, व्यवहार के प्रत्यक्ष लक्षण उसके मूल कारणों के लिए विश्वसनीय संकेतक होते हैं। बिहेवियर सिम्टम्स आर डिपेंडेबल इंडिसेस टू देयर बेसिक कॉजेस, व्यवहार के प्रत्यक्ष लक्षण उसके मूल कारणों के लिए विश्वसनीय संकेतक होते हैं, यह गलत है। बाकी पहला, दूसरा, चौथा सही है, आप दोबारा से पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ,
उस अंतिम स्थिति जो किसी अभिप्रेरित व्यवहार को दिशा प्रदान करती है को क्या कहते हैं? द एंड स्टेट विच गिव्स डायरेक्शन टू मोटिवेटेड बिहेवियर इज कॉल्ड, उस अंतिम स्थिति जो किसी अभिप्रेरित व्यवहार को दिशा प्रदान करती है क्या कहते हैं उसको? गोल अर्थात लक्ष्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, लक्ष्य। उस अंतिम स्थिति जो किसी अभिप्रेरित व्यवहार को दिशा प्रदान करती है उसे कहते हैं लक्ष्य यानी गोल। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया था, कक्षा में प्रतियोगिता के उपयोग के संदर्भ में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की धारणा है कि, समझ लीजिए क्वेश्चन को, द कंसेंसस अमोंग द मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इन रिलेशन टू यूज ऑफ कंपटीशन इन द क्लासरूम इज डेड। कक्षा में प्रतियोगिता के उपयोग के संदर्भ में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की धारणा है कि, अब यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं तो अच्छे से देख लीजिए। प्रतियोगिता के संबंध में जो भी आपत्तियाँ देखने को मिलती हैं वे दार्शनिक आधार पर हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं। प्रतियोगिता कुछ या सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य तो हानि कर ही होती है। असल में आपत्तियां प्रतियोगिता की संचालन विधि के विषय में होती हैं न कि स्वयं प्रतियोगिता पर। अन्य क्षेत्रों में संभावित हानियों के बावजूद प्रतियोगिता के फलस्वरूप जो शैक्षिक लाभ प्राप्त होते हैं वे इसे उचित सिद्ध करते हैं। अब इस प्रश्न का सही उत्तर खोजने की आप कोशिश कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी असल में आपत्तियां प्रतियोगिता की संचालन विधि के विषय में होती है ना कि स्वयं प्रतियोगिता पर। ठीक है, द ऑब्जेक्शन आर टू द वे द कंपटीशन इज हैंडल्ड रेदर देन द कंपटीशन इटसेल्फ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आप समझने की कोशिश कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन है आज का, अंतोदगत्वा कक्षा में अभिप्रेरणा की कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? इन द फाइनल एनालिसिस द की टू मोटिवेशन इन द क्लासरूम इज। अंतोदगत्वा कक्षा में अभिप्रेरणा की कुंजी कौन सी है अंतिम रूप से, या फाइनली हम कह सकते हैं कक्षा में मोटिवेशन की कुंजी क्या है, की क्या है? अध्यापक का व्यक्तित्व, विषय वस्तु में सन्निहित अभिरुचि, पाठ्यचर्यात्मक अनुभव की उपयुक्तता या कक्षा का भावात्मक प्रवेश। देखा जाए चारों इंपॉर्टेंट है लेकिन अंतोदगत्वा कक्षा में अभिप्रेरणा की कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यचर्यात्मक अनुभवों की उपयुक्तता यानी द सुटेबिलिटी ऑफ करिकुलर एक्सपीरियंसेस। ये हो जाएगा अंतोदगत्वा कक्षा में अभिप्रेरणा की कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है, पाठ्यचर्यात्मक अनुभवों की उपयुक्तता। तो आज के इस सत्र में हमने हल किए हैं कुल 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में सहायता मिली, तो आप कमेंट में लिखिए किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, फिर हम आगे इस प्रकार से और क्वेश्चन लेकर आएंगे, चाहे वे बजट यानी वित्तीय प्रशासन से संबंधित हों, विद्यालय नेतृत्व, शैक्षणिक विकास, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित हों, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित हों, हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहे गंगा प्रकाश वैश्विक और यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।